खरगोन नगर की वैष्णवी कॉलोनी निवासी बिजली पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान हैं। कॉलोनाइजर और प्रशासन द्वारा सुविधाएं मुहैया नहीं कराने से नाराज महिलाएं मंगलवार को कलेक्ट्रेट और नगरपालिका पहुंची। महिलाओं ने बताया कॉलोनी में लंबे समय से सड़क तक नहीं बनाई गई। यहां पर वर्षा के मौसम के अलावा आम दिनों में धूल एवं गड्ढों वाले खराब रोड से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि बिजली के तार भी झूल रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं होने से रात के समय में नगरपालिका चुनाव के दौरान भी सुविधाएं देने के वादे किए थे, जो चुनाव बाद भुला दिए गए हैं। हमारी मांग है कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। बिजली वैष्णवी कॉलोनी, क्या समस्या? नाली और रोड के और स्ट्रीट लाइन भी नहीं। रोड तुम्हारे बिल्कुल ऐसा गिर जाती है? हम तो बहुत साल से परेशान है, पहले भी आए थे। हाँ पहले भी हमारी कॉलोनी में ना बिजली है ढंग से, खम्भे कड़े, लाइटें सब लटक रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नल नहीं है, रोड नहीं है, बच्चे इधर गिर रहे हैं, गंदगी हो रही है, गंदगी से परेशान है। सबसे समस्या है? पर समस्या तो हमको 5-7 साल हो गए इसके पहले। को नहीं बोला बोला है पर वो सुनते नहीं, कॉलोनी वाले सुनते नहीं। पार्षद भी आती तो बोले मेरे मेरा काम सब कर दिया, आपको जो करना है वो करो। तो हम बोल रहे हैं कि क्या काम करा दिखाएंगे मजा के हम, इसलिए हम कलेक्टर मैडम पास आए कि वो हमारी समस्या सुने। क्या कुछ आश्वासन मिला अभी? अभी आशीर्वाद दे रखा अभी हो जाए, जबकि बात है अभी मैडम ने आश्वासन दिया। हमारी समस्या बोले सब कर देंगे, बोले वहाँ पहुँचा रहे हैं। रेशमा पाटिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।